अनदर ब्लॉग। तो ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं तो आज का ब्लॉग कुछ अच्छा होने वाला है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8, तो मैं सो के उठ चुका हूं क्योंकि रात सोया था मैं 1:30-2 बजे करीब लमसम। तो फिर मैं अब उठ चुका हूं और वीडियो की एडिटिंग भी चल रही है, तो वीडियो कुछ टाइम बाद आ जाएगी और ये भी वीडियो जल्दी से जल्दी आएगी। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला। हे गाइस, तो हम निकल चुके हैं, तो इसने ओढ़ रखी टी शर्ट, तो बारिश हो रही है। तो ऐसा है पीछे की तरफ बारिश हो रही है और इधर नहीं हो रही है, लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। हमारा भाई देख रहा है, बहुत ज़्यादा कम मजे कर रहा है। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो इस तरीके से। अंकल जी की दाढ़ी देख के पता ही चल गया होगा। इसे देखो प्रियांशु को, इसे मास्क हटाने का नाम ही नहीं ले रहा है, बट मैं उतरता हूँ। और यहाँ पेट्रोल पंप पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, तो हमारी ये एक्टिवा चल रही है। एक्टिवा तू पेट्रोल खाएगी? अच्छा, तुझे प्यास लग रही है? ओ भाई, हमें नहीं पता था भैया डालेंगे पेट्रोल। कितने रुपये की पड़वानी है? 100। ओ भाई, तो 100 रुपये की पेट्रोल पड़वानी है। हे गाइस, तो यहाँ पर देख सकते हो पेट्रोल पड़ रही है, भैया हमारी पेट्रोल डाल रहे हैं और भैया के पास 500 ही खुले नहीं है, थोड़ा अभी किसी से और से लेंगे। देख सकते हो गाइस, देख सकते हो पेट्रोल पंप से हम निकल आए हैं, अब आगे बढ़ते हैं रोड की तरफ। तो रोड पे भीड़ काफ़ी अच्छी हो रही है थोड़ा, तो हम तुम पीछे कहाँ से उठाना है वो लड़का भाई, हर्रा वाला से उठाना है। अरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी, कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी, ऐसी प्रीत मेरी है निगोड़ी चुलबुली, करे जो छक जोरी क्यों ना। सूरज की किरणें आने दे मेरे नींद, अब चल जाने दे जो भी बीत, ओ जग ताने पे ताने दे उनकी सुने ना। देखो सावन आए रे मन हसाए मितवा और सारी बारिश बढ़ी है, थोड़ा रफ भी सकती बाइक, तो हमें अभी खुलवाने नहीं आते हैं, समझ रहे हो सर? तो हाँ, तो यहाँ से हरिद्वार बोर्ड से जाते हैं नया गाँव ठीक है। हम तो दो थे, जब दो से अब तीन हो चुके हैं और अब ये आ गया भाई हमारा। तो अब ब्लॉग में काफ़ी ज़्यादा मज़ा होने वाला है क्योंकि अभी एक दोस्त और आने वाला है। भाई तेरा नाम क्या है? देवेश नाम है भाई का। तो इधर से निकलेंगे, ये रास्ता मालदेव तक है, बताना कुछ लेना है अभी, कुछ भाई को लेना है, तो यहाँ से कुछ लेंगे फिर उसके बाद में देखते हैं आगे। तो ये पापा की पनीर है देख सकते हो पीछे निकल गई। तो देवेश भाई बड़ा मज़े कर रहा है क्योंकि आज बारिश का मौसम था, है पार्टी दे रहा है आज देवेश भाई। देवेश भाई का बर्थडे नहीं है कभी, तुम समझ रहे हो? बर्थडे होगा तो अच्छी पार्टी मिलेगी, आज देवेश भाई दे रहा है पार्टी। और अपना ठीक है, जहाँ भी देख सकते हो जहाँ पर भी जाम मिल रहा है आज, पता ना कौन से कम कस का मुंह देखा है, किस बहन का मुंह देखा है, हर जगह देखो वहाँ ही जाम लग रहा है। जाम तो ट्रेन निकल रही है और भीड़ एक दूसरे ये जा रही है शताब्दी एक्सप्रेस, दिल्ली से आती है और देहरादून, फुल एसी। और मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कंपनी भी देख रहे थे, बट तो काफ़ी ज़्यादा इस सफर में ना आज के में ना काफ़ी मज़ा आने वाला है यार दोस्तों। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, एक लाइक कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करना है चैनल को, और जितने से जितने दोस्तों को शेयर कर सकते करो यार। भाई तुम्हारा भाई वो आगे बढ़ाओ यार, आने दे मेरे मीत, अब चल जाने दे जो भी बीत, ओ जगे ताने दे उनकी सुने ना। देखो सावन आए रे मन हसाए मितवा और दोस्ते हमें आ रहा वो, उसको उठाने हम आ गए उसके घर पे, फिर वहाँ से उसे उठाएंगे। एक अंकल जी आ रहे हैं, थोड़ा मेरी तरफ देख रहे पता ना क्यों, देख के पता चल गया होगा अंकल जी थोड़ा कुछ सेम है पता ना क्यों। एक्चुअली थोड़ा होता है ना कभी कभार हैं, तो अब दोस्त को उठाएंगे, पता ना वो अपने घर से आ रहा है, तो देवेश बुला रहा है, पता ना देवेश बुला रहा है, आइयो। तो देवेश बुला रहा है पता ना क्यों, तो पहले मैं हेलमेट लगा के जाता हूँ।
तो अगले भाई अपने ये हैं साथ या भगोना, अब यहाँ हम वहाँ जाके बनाएंगे खाना, तो पिकनिक हमारी कुछ अच्छी खासी होने वाली है। देवेश भाई काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है इस पिकनिक के लिए, तो क्योंकि देवेश आज वो दे रहा है ना पार्टी, तो बहुत ज़्यादा खुश हैं, हैप्पी हैं। देवेश भाई को देख के पता ही चल रहा है, तो भगोना ले लिया, देख ऐसा लग रहा है जैसे तो दोस्तों हम निकल चुके हैं महादेवता की ओर, तो रास्ता कुछ ऐसे है तो ठीका है बदन वो ठीक तरह है, तो हम निकल चुके हैं। अब काफ़ी अच्छा रोड हो रहा है, पीछे का बैकग्राउंड देखते हैं और काफ़ी अच्छा व्यू है यार। खड़े हैं जबकि वो तो रुके हैं क्योंकि बारिश तो आनी है ना। मेरे रांझना बता देना, बता देना। आरी 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 अब तो आ रही बारात, अब ये आए नाचे गाए देखो राग है मल्हार, ओ नित नित लाके रंग सवारी है जहां या ना। अरे बोलो ना, सूरज की किरणें आने दे मेरे मीत, अब चल जाने दे जो भी बीत, ओ जगे ताने पे ताने दे उनकी सुने ना। देखो सावन आए रे मन हंसाए मितवा, और सारी उम्र ना गवा दे मितवा, क्यों सोचे बादल खड़े हैं जबकि वो तो रुके हैं क्योंकि बारिश तो आनी है ना। दोस्तों हम आए आज पिकनिक के लिए, तो आज संडे का दिन था तो हमने सोचा आज क्यों ना कहीं घूमने जाया जाए, तो यहाँ का भी कुछ अच्छा और पहाड़ों से भरा पानी ये देखो, तो व्यू कुछ ऐसा है। पीछे का पॉइंट ये है, यहाँ पर नहा रहे हैं लोग, काफी अच्छा व्यू है और यहाँ पर नहा सकते हो आप भी कभी आओ तो। मुझे बता दे मेरी गड़बड़ी, कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी, ऐसी प्रीत मेरी है निगोड़ी चुलबुली, करे जो छक जोरी क्यों ना। सूरज की टीम को जाए दोस्त, देख सकते हैं बहुत ज्यादा भीड़ और हमारे दोस्त दोनों आ चुके हैं अपनी और वहाँ पर नहाने का कुछ अच्छा व्यू है, पीछे बहुत ज्यादा भीड़ है। कहाँ चलना है भाई, ऊपर चलेंगे और बोली करे जो छक जोरी क्यों ना। सूरज की किरणें आने दे मेरे मीत, अब चल जाने दे जो भी बीत, ओ जगे ताने दे उनकी सुने ना। देखो सावन आए रे मन हंसाए मितवा, और सारी उम्र ना गवा दे मितवा, क्यों सोचे बादल खड़े हैं जबकि वो तो रुके हैं क्योंकि बारिश तो आनी है।
देवता नाम माल देवता पे पहुंचने के बाद में सीन कुछ ऐसा है, तो हम कुछ यहाँ पर बनाने वाले हैं खाने के लिए। तो पिकनिक संडे की आज अच्छी खासी बनेगी हमारी, और एक नंबर रहेगी, मेरी अभी तक की बेस्ट पिकनिक रहेगी और अच्छी खासी बेस्ट, यानी कि बेस्ट से बेस्ट रहेगी। अभी तक मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था एक्चुअल, तो आज फाइनली वो आज सोच लिया, आज अच्छा रहेगा। माल देवता और मैं भर लाया हूँ पानी, अब यहाँ पर कुछ बनाएंगे, फिर उसके बाद में नहाएंगे, पहले नहाएंगे फिर उसके बाद में कुछ खाएंगे, नहाते नहाते फिर उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ कुछ व्यू को एक नंबर है, तो हमने अपनी स्कूटी वगैरह वहाँ लगा दी, तो आगे चलते हैं। तोड़ रहे हैं लकड़ी, यहाँ से लकड़ी ढूंढ के अब ले जाएंगे, फिर चूल्हा वगैरह बनाएंगे, फिर उसके बाद में रखेंगे अपना जो भी कुछ है। तो ये जंगल सा है यहाँ का माल देवता पे, तो यहाँ पर अधिकतर लोग आते नहीं है, वो यही करते हैं यहाँ पर, जो कुछ सामान लेके आते हैं और यहाँ पर ही बनाते हैं। तो हमें लकड़ी फाइनली मिल गई है सूखी सूखी, तो सूखी लकड़ी मिल गई। ये अंसू लगा पड़ा है चूल्हा बनाने में, तो लकड़ी हमारी ये इकट्ठी हो चुकी है और चूल्हा ये ऐसा बना रहे हैं कुछ। ये गाइस देख सकते हो, मैं चूल्हा बना के मैं यहाँ पर फूंक मार रहा हूँ, ये पजन नहीं रहा है। फाइनली हमारी जो चीज़ बननी थी वो बन चुकी है, और अब खाएंगे उसके बाद में देखते हैं। फिर अब जा रहे हैं हम दोनों लोग नहाने देवेश और मैं, तो पानी थोड़ा हाँ मेरे पैर में लग गया कांटा यार, तो देवेश भाई मेरे पीछे पीछे, देवेश आगे आ जा यार। और पहाड़ों का नज़ारा तो कुछ ऐसे ही है, थोड़ा यहाँ कैंपिंग भी कर सकते हो आप लोग, तो कैंपिंग के लिए जगह एक नंबर है और लोग यहाँ पर कैंपिंग भी करते हैं, देख सकते हो बैठ के। तो यहाँ पर पानी में आएंगे और फिर देखते हैं सीन क्या होता है। और यहाँ पर बैठ, ओ भाई मज़ा आ रहा है यार, आ जा। तो सीन कुछ अच्छा है और अच्छा खासा है, मैं पानी में हूँ। तो दोस्तों यहाँ नहाओ और यहाँ मज़े करो, और पीछे का बैकग्राउंड देखो, और कुछ बैकग्राउंड मज़ेदार है। तो यार आज तो मौसम अच्छा खासा है, ठंडा ठंडा। अब चल जाने दे जो भी बीत, ओ जगे ताने पे ताने दे उनकी सुने ना। देखो सावन आए रे मन हंसाए मितवा, और सारी उमर ना गवा दे मितवा। क्यों सोचे बादल हरे हैं जबकि वो तो रुके हैं, क्योंकि बारिश तो आ